मुंबई में एक शख्स को अपना मोबाइल फोन ठीक करवाना इतना महंगा पड़ गया कि उसे करीब 2 लाख रुपयों का चूना लग गया। दरअसल मुंबई के साकीनाका में एक शख्स को मोबाइल फोन रिपेयरिंग स्टोर के एक कर्मचारी ने 2 लाख का चूना लगा दिया। हुआ कुछ यूं कि 40 वर्षीय पीड़ित कदम ने मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर पर अपना मोबाइल मरम्मत करने के लिए दिया था। मोबाइल स्टोर के कर्मचारी ने उसके फोन पर बैंकिंग ऐप एक्सेस किया और FD को तोड़कर उसके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इस बाबत पीड़ित ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। पुलिस की FIR के मुताबिक इसके बाद 11 अक्टूबर को मोबाइल रिपेयर स्टोर खुला था, मगर वहां एक अन्य कर्मचारी दुकान चला रहा था। कदम ने अपना फोन और सिम कार्ड मांगा, मगर कर्मचारी ने कुछ बहाना बनाया। जब कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो कदम ने एक दोस्त से संपर्क किया और उसे सारी बात बताई। इसके बाद कदम ने अपने बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल किया। कदम ने जब अपना अकाउंट लॉग इन किया तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि उनकी FD को तोड़ दिया गया है और 2.2 लाख रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद पीड़ित कदम ने पुलिस से संपर्क किया और मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।